जी मुनज़्ज़ा, आपके ऊपर। इतनी फूडी स्टोरी सुन के आई फील सो आउट ऑफ प्लेस। अच्छा, आप क्या खाने खाने पीने से दूर? सिर्फ मैं दूर हूँ या मेरी बेटी जोहा दूर है, बाकी तो सब लोग, हम लोग ऐसे उस तरह से नहीं कि फूडी फूडी हों। बस ये है कि शादी से पहले के ज़माने जो वो मुन्ना सा फूडी एक मेमोरी है कि मेरे कज़न्स आते थे, बहन भाई दोनों कराची से, तो हमारे सर्दियों में हमारी एक एक्टिविटी होती थी, वुड पूल इन मनी और रूफ टॉप पे चढ़ के कोल्ड कॉफ़ी पीनी है और हमने हंटर बीफ खाना है, ये हमारी पार्टी होती थी और पर गाने गा रहे होते थे और ये सब कुछ कर रहे होते थे। बट ऑफ कोर्स गेट टुगेदर्स होते हैं, लेकिन उस तरह से वो वाले चीज नहीं होती है। कभी कभार बारबेक्यू पार्टी रखती है, इस तरह से कर लेते हैं। ये आपके जमाने की बात है? हाँ नहीं, ये अब की बात, ये तो आप ट्रेंडी बात होगी ना, ये तो वहां से चले आ रहे ना कि हमारी अम्मी के जब हम छोटे थे हमारी अम्मी क्या ही होता था, तो आप भी उधर ही। खाने के अलावा जो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जो दादी थी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बहुत अच्छी निटिंग करती थी। ओके। तो वो जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो उनके लिए ना एक स्वेटर, स्वेटर तो नहीं, बनियान बनाती थी, गोल सा गला होता था और उसकी स्ट्रिंग ऐसे पुल करके ना बिल्कुल गले से लेके सीना कवर करती थी। ओके। तो वो हमेशा कहती थी कि बच्चे का सीना गर्म रहे तो उसको ठंड नहीं लगती, नहीं लगती। तो विच वॉज लाइक गुड थिंग। और छोटे बच्चों के जिन वो सारे नई मदर्स जिनके छोटे छोटे बेबीज हैं, तो ये एक रूल है जनरल, और मैंने भी आजमाया हुआ अपने बच्चे पालते हुए कि एक तो नहलाने से पहले उनको गरम नीम गरम जैतून के तेल की मालिश, ओके, और नहलाने के बाद वो एक गरम सी बनियान, अगर सीना उसका वार्म्ड अप है तो खांसी नज़ला फ्लू बहुत हद तक बच्चा बचा रहता है, सीना बचा रहता है। बचपन में खाना क्या खाती थी लाहौर का वो बताओ। जो निटिंग वाली कहानी है, मेरी अम्मी चाहे कितनी भी बिजी हूँ लेकिन किसी का भी बच्चा होने वाला है तो उसके लिए जो जाता जी, चाहे वो मैं हूँ मेरी बहनें, वो तो हमारे हम अपने बच्चे हो गए ना, हमारे तो पूरे सेट तैयार होते थे ना हमारे बच्चों के, अपने हाथ से निटिंग करती थी और मोजे तो ये बनियान तो स्वेटर्स तो क्या क्या नहीं ना, लेकिन किसी का भी हो। अब फॉर एग्जांपल डॉक्टर बिल्किस से उनकी बहुत शदीद दोस्ती है, अब इनकी बेटी के बच्चा हो रहा है ना तो मेरी अम्मी की तरफ से वो निटिंग, मेरी खालाओं के बच्चे कि सबके पास उनकी निशानियां है क्योंकि मेरी अम्मी ने अलग अलग चीजें निट करके, ये हमारी फुप्पो की हमारे पास निशानियां, हाँ वो बहुत अच्छी निटिंग करती थी, बैठी हुई है रिकॉर्डिंग पे, बैठी है पैनल पे, बैठी है एडिटिंग में, बैठी निटिंग हो रही है। मैंने यार पहले तो वूल के गोले वोले सब मिलते थे, अब तो आपको ढूंढने पड़ते हैं, मिलते ही नहीं। मेरी अम्मी मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, कि आप बाहर से क्या मंगवाने कहते हैं, ऊन ला दे, ऊन ला दे, फलाना वाला ऊन ला दे, क्योंकि वेस्ट में तो बहुत वैरायटी वाले वूल्स मिलते हैं, तो वो बस उनकी वो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन ये था कि किसी को भी सौगात देनी है, कोई तोहफा देना है तो अम्मी के हाथ, और वो निटिंग है ना वो आपकी अपनी मोहब्बत और मेहनत है। मोटा वाला यार्न यहाँ नहीं मिलता, वो जो फर वाला भी होता है ना, परी सा वो यार्न। अच्छा निधा, नेक्स्ट टाइम जब आप बाहर जाएंगी प्लीज गोला ले, ठीक है गोला ले। मैं तुम्हें ढेर यार्न वाला दूंगी, मैं जब वापस आ जाऊंगी तो आती हूँ तोहफे दूसरों के लिए, तोहफे लाने। तो अभी भी मैं जब वापस आ रही थी, मैंने ड्यूटी फ्री से लिए, मेरे पास सामान में जगह नहीं थी, तो मेरे मियाँ ने मुझे इतनी सुनाई रस्ते में, क्योंकि जो ट्रांजिट होता है उसमें मैं खेतिया की तरह थी, वो चलना बहुत चलना मुश्किल, एक थैला तो कहीं गिरा भी है, वो हर दफा ऐसा ही होता है।